आप लोगों को पता नहीं है। आप पिछली बैठक में कौन गए सर? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे? वही आप सवाल कर रहे हैं सर। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था सर, तो उनको तो भेजे थे हम लोग, उन्हीं को सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। आप जरा बोलिए, अब कोई कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो उस समय कौन गए थे? कानपुर वही कर रहे तो वहाँ पर कौन गए थे? और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग, तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे लोग, जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है, तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर, तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए ये सब बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है, और देखिए ना हम लोगों का तो जीरो हो गया था, अब फिर बढ़ गया है बाहर से जो आ रहे हैं, तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। जांच आप देख रहे थे 40,000-50,000 हमेशा करते रहते थे, तो उसको और ज्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था, लेकिन अलर्ट रहना और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सब तरह का इंतजाम बात कर रहे। वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4,000-5,000 जितना भी 3,000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई अब आ रहा है, तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो इंतजाम करना चाहिए। सर, तो हमारे पास जो भी है उसके आधार पर तो हम कर ही रहे। सर, सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे, और सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है।